देश आजादी के 75 वर्ष मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है, और हम सबको मिलकर संकल्प ये लेना है कि भारत स्वच्छ हो, सुंदर हो। और भारत ने पिछले कुछ वर्षों में करके दिखाया, जब से आदरणीय मोदी जी ने महात्मा गांधी जी के उस सपने को पूरा करने का काम किया है कि देश की जनता में जागरूकता भी फैलाएं और उनको स्वच्छता अभियान से जोड़ें। युवा कार्यक्रम और खेल विभाग ने देश भर में 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक 75 लाख किलो प्लास्टिक और वेस्ट इकट्ठा करने का काम शुरू किया है, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मात्र 10 दिन के अंदर 30 लाख किलो से ज़्यादा प्लास्टिक और वेस्ट हमने देश भर में इकट्ठा किया है, स्वच्छता अभियान चलाया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है 31 अक्टूबर से पहले 75 लाख किलो से बहुत ज़्यादा हम लोग वेस्ट देश भर में इकट्ठा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर जो लोग चिप्स खाते हैं, टॉफ़ी खाते हैं, पान, बीड़ी, गुटखा, जो भी खाते होंगे उसके रैपर्स, प्लास्टिक की बोतल, ये सब खा के पार्क में, सड़कों में, गलियों में जो फेंकते हैं, अगर वही हर भारतीय नागरिक जागरूक हो जाएगा तो शायद भविष्य में स्वच्छता अभियान करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप पानी भी पी सकते हैं, आप चिप्स भी खा सकते हैं, टॉफ़ी भी खाएं, चॉकलेट भी खाएं, लेकिन उसके जो रैपर्स हैं, उसका जो प्लास्टिक है, उसको सड़क पे ना फेंके, उसको इकट्ठा करके अपने घर के कूड़ेदान में या सामाजिक कोई कूड़ेदान ऐसा है वहाँ पर फेंके। अगर हर नागरिक जिम्मेदार होगा तो हमारा भारत स्वच्छ और सुंदर होगा। मेरा अनुरोध है स्वच्छता अभियान से हर भारतीय जुड़े, अपनी गली, अपना मोहल्ला, अपना गांव, अपना शहर, अपना वार्ड, इसको स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप अपना योगदान आज़ादी के 75 वर्ष में जरूर दें, ताकि हम संकल्प लें आज से अगली 25 वर्ष की जो हमारी ये यात्रा होगी, 75वें वर्ष से शताब्दी समारोह की ओर जब हम अगले 25 साल में जाएंगे, तो देश की युवा पीढ़ी से बच्चों से लेकर बड़ों तक सब इतने जागरूक होंगे कि अपने भारत को स्वच्छ और सुंदर रखेंगे। सर, इसके अकायदा एक सवाल, सर जम्मू कश्मीर के पूंछ में जो 5 जवान शहीद हुए हैं, सर आतंकियों के सर्च ऑपरेशन के दौरान, सर उस पर क्या कहेंगे? जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद के खिलाफ लगातार मुहिम चली थी, और जो जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हुई, और जम्मू कश्मीर का जो विकास लगातार पिछले 2 वर्षों में देखने को मिला कि किस तरह से गति बढ़ी, पर्यटक बढ़े, वो शायद आतंक फैलाने वालों को पसंद नहीं आया। इसलिए इस तरह की कायराना हमले भी करते हैं, नागरिकों को पकड़ के उनके ऊपर भी हमले किए गए। हमारी प्रिंसिपल जो सिख समुदाय से आती थी उनको मार दिया गया, हिंदू समुदाय से जो आते थे उनको गोली से मार दिया गया। समाज में बांटने का प्रयास जिस तरह से किया जा रहा है, उसमें एक भावना ऐसी पैदा करने का, उससे जम्मू कश्मीर के लोग उसमें नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ पर एकजुटता, एक परिवार के रूप में, एक देश के रूप में वहाँ पर सब लोग इकट्ठे मिलकर जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर ने वर्षों वर्षों तक आतंकवाद का साया देखा है, उससे मुक्ति पाना चाहते हैं, और जम्मू कश्मीर के लोग आतंकवाद के खिलाफ है और आतंकवादियों के खिलाफ है। तो वहाँ पे जो हिंदुओं में रोष देखने को मिल रहा है, कल कश्मीर से विशेष भी हम सब ने देखे थे, वहाँ पे किस तरह से धरना प्रदर्शन हिंदुओं द्वारा किया जा रहा है, इस पूरे सिचुएशन को लुकआउट करने के लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार हर कदम उठा रही है, गिरफ्तारी भी की गई है, कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी, और आतंकवादियों के खिलाफ जो मुहिम थी उसको पहले से भी ज़्यादा तेजी के साथ किया जाएगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।